वेलकम बैक दोस्तों, मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया डिप्लोमा के केमिस्ट्री के सॉल्यूशन। अभी हाल ही में 16 अगस्त को आपका जामिया डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है। हम लोग उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसका केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग इसमें आंसर के डिस्कस करेंगे, साथ में हम कंपेयर करेंगे कि हमने जो वीडियो लेक्चर में जो टीबीआईटी क्लासेस पे आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए थे उसमें से कितने सारे क्वेश्चन हूबहू डिटो वहां से आ गए। साथ में ये भी दिखाएंगे कि टेस्ट में कई सारे क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे, जो आपके टेस्ट वीडियो सॉल्यूशंस थे, उसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपके सेम एज इट इज केमिस्ट्री सेक्शन में, कहाँ पर आपका जो डिप्लोमा का एग्जामिनेशन हुआ था जामिया का, उसमें एज इट इज सेम क्वेश्चन आ गया। और इस बार का जो केमिस्ट्री का पेपर आया था जामिया में वो काफी इजी आया था, और बार के कंपेरिजन में जो इस बार का केमिस्ट्री का पेपर था वो काफी हद तक इजी था। इवन आपका फिजिक्स और मैथ्स के कंपेरिजन में जो केमिस्ट्री सेक्शन आया था वो काफी हद तक इजी था। और एक और बात, जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, पर कुछ क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी थे जो एनसीईआरटी के बाहर से थे, जो थोड़े हाई लेवल के थे। तो चलिए अब एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग समझते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई होप आपके सारे सॉल्यूशंस आराम से मिल जाएंगे और जितने कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एटम। यानी इनमें से जो चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा कॉन्फिगरेशन ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है वो है एसपीडीएफ का कॉन्फिगरेशन आना, साथ में यहाँ पर यूज करा है एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन आपका होता है एटॉमिक नंबर 24 और 29 में। यूजुअली 24 का एटॉमिक जो कॉन्फिगरेशन है एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए 4s2 3d4, और इसका होना चाहिए 4s2 3d9। पर होता क्या है, जो आपका 4s1 है ये हाफ फिल्ड हो जाता है, मतलब s1 हो जाता है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला ये d में चला जाता है, ये हो जाता है 3d5। सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाता है 4s1 और ये 3d9 है, एक यहाँ से निकला तो यहाँ चला जाएगा, ये हो जाता है 3d10। अब देखिए कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे का कि हमारे फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं, हाफ हो या फिर फुल फिल्ड हो, तो ये जो ऑर्बिटल्स क्या होती हैं आपकी स्टेबल होती हैं। अब हमको पता है sp(d,f), s में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में मैक्सिमम हो सकते हैं 6, d में 10 और f में 14। यानी कि अगर d में फुल फिल्ड हो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। इसीलिए जो आपका एटॉमिक नंबर 24 है मतलब क्रोमियम का, और एटॉमिक नंबर 25 यानी कॉपर का, इसमें हमको एक्सेप्शन मिलता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। इसका मतलब ये दोनों हमें ग्राउंड स्टेट में नहीं मिलते, ये दोनों गलत ऑप्शन है। तो क्या हो गया 4s2 3d4, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, बचा क्या 4s2 3d9। 4s2 3d9 आपका इस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया गलत आंसर। बाकी 4s2 3d8 ये होता है, ये सही है। 4s1 3d10 ये सही है, देखिए अभी हमने यहाँ डिस्कस किया, और 4s1 3d5 ये भी सही है, यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये जो स्टेटमेंट बी है ये गलत है। स्टेटमेंट बी कह रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमको पता है न्यूट्रॉन का मास होता है और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसका मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मानते हैं, और इसको हमने जो हमारा लेक्चर था उसमें अच्छे से डिस्कस किया था। जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर पढ़ा था उसका जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था, पहला लेक्चर, उसमें ही इस पर हमने डिस्कशन किया था। बाकी सेकेंड लेक्चर में जो हम रिविजन कर रहे थे उस पर भी हमने इस बात पर जोर दिया था। अब बाकी देखिए, ऑप्शन नंबर ए, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया था।
फिर इट इज बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स, ये तो सबको पता है कि सारे एटम्स में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और ऑप्शन डी भी करेक्ट है, इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, और कैथोड रेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो एक्सपेरिमेंट का डायग्राम होता है, जो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होता है, उस पर भी हमने डिस्कशन किया था। तो एक बार वापस मैं आपको लेक्चर में ले चलता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। अब इसमें हम देखेंगे मास कितना होता है और चार्ज कितना होता है। तो देखिए, चार्ज की तो बात हमने अभी पहले कर ही ली। मास का है, जो प्रोटॉन पे मास होता है वो प्लस वन होता है, न्यूट्रॉन पे मास प्लस वन होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग जीरो होता है, नेग्लिजिबल मानते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो देखिए, मास वन लिया, चार्ज प्रोटॉन पे प्लस वन, न्यूट्रॉन पे मास वन, और चार्ज हमने बताया एन फॉर न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, तो इस पे चार्ज जीरो। अब इलेक्ट्रॉन पे ऑलमोस्ट जीरो, मैंने बताया कि इसका लगभग मास जीरो होता है, और चार्ज जो है वो हमारा माइनस वन होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। तो पूछ रहा है टू विच ग्रुप डज इट बिलोंग। तो देखिए, 282 है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 8 2 10 2 12। 12 मतलब क्या हो गया, ये मैग्नीशियम का। अब हमको मैग्नीशियम का डायरेक्टली ही याद होता है कि जो हमारा फर्स्ट होता है ग्रुप, उसमें सोडियम होता है, उसके जस्ट बगल में मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं हमारे मैग्नीशियम का क्या होता है, सेकेंड ग्रुप होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर। मतलब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो किस फॉर्म में या फिर किस बेसिस पर अरेंज हैं। तो इसका आंसर है आपके एटॉमिक नंबर पे। जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक नंबर है उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, 5 6 7। तो ऐसे क्या हो रहा है, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी छोटे से बड़े के फॉर्म में और हॉरिजॉन्टली ये अरेंज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रोज। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 है, 28 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 10। एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का, और आप सबको पता है जो नियॉन हमारा होता है वो नोबल मेटल्स वाले ग्रुप में आता है, यानी नोबल गैसेस वाले में होता है, और वो कौन सा होता है, ग्रुप नंबर 18, यानी जो हमारा लास्ट ग्रुप होता है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सब अरेंज होते हैं, ये उस ग्रुप का मेंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एलिमेंट एक्स फॉर्म्स क्लोराइड विद फॉर्मूला HClO2। मतलब जो हमारा एक्स है वो क्लोराइड फॉर्म कर रहा है HClO2 फॉर्मूला से, और ये एक सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक। फिर है, एक्स वुड लाइकली, मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एज। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, HClO2 है, Cl2। अब देखिए, हमको पता है एक्स क्या होगा, कोई एक्स प्लस आयन से बना होगा। अब इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है वो हमको पता करना है मेन, और Cl क्या है, Cl माइनस से बना होता है, यानी सिंगल माइनस। अब जो हमारा क्रिस क्रॉस मेथड होता है जिसे हम आयनिक फॉर्मूला बनाते हैं, तो क्या हो गया, इसके नीचे 1 हो गया, या 1 है, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा X1, और Cl के नीचे हो जाएगा इसके नीचे जो होगा। तो देखिए, Cl के नीचे 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 है, इसका मतलब X पर जो है प्लस 2 चार्ज है। यहाँ से पता चल गया कि X पर क्या है, प्लस 2 चार्ज। अब आपको देखना है ये जो गिवन आयंस है इसमें से किसके ऊपर प्लस 2 चार्ज आएगा। तो देखिए, एल्यूमिनियम आपको पता है क्या होता है, प्लस 3 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे होता है प्लस 2 चार्ज, सोडियम पे होता है प्लस 1 चार्ज, और जो सिलिकन है ये यूजुअली 4 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं करता, पर अगर करता तो इस पे क्या होता है, प्लस 4 का केस आता, ठीक। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमको प्लस 2 वाला देखना है, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये भी हमने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। कहाँ पर की थी, जहाँ हमने सीखा था आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाना, वहाँ पर पहली बार की थी। दूसरी बार जहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, और साथ में जो लेक्चर था आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन आयनिक फॉर्मूले, आयनिक कंपाउंड्स, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, और जो आपका बीच में एक टेस्ट हुआ था उसमें भी इस पे क्वेश्चन आए थे। यानी आपका कुल मिला के 3 बार से ज़्यादा रिविजन हुआ था इस सेम टाइप के क्वेश्चन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
कार्बन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14, यानी हम ये लोकेशन बता रहे हैं जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कार्बन कहाँ पर होता है। फिर कह रहा है सिल्कन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 14। अब कह रहा है इफ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्कन इज। तो देखिए ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ऊपर का इन्फॉर्मेशन आपको जानने की जरूरत ही नहीं। आपको पता है जो हमारा सिल्कन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था और साथ में ऊपर जो नियॉन वाला क्वेश्चन था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या दिया था 2.8, ये दोनों हमने डिस्कस करके रखा था जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम लेक्चर था उसके लास्ट लेक्चर में। तो अगर मैं आपको वापस ले चलूँ उस वीडियो लेक्चर में, तो आप यहाँ देखिए कि हमने इस वीडियो में जो हमारा एलिमेंट है कहाँ तक 20 तक हमने डिस्कस किया था, उसके साथ सिंबल और एटॉमिक नंबर, इस सब को प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन किया था। तो देखिए अभी आपका क्या था, ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 का क्वेश्चन आया था, ठीक। और साथ में ये जो मैं नियॉन की बात कर रहा था उस समय मैंने नियॉन को अंडरलाइन करके भी आपको अलग से समझाया था, इस पर आपको फोर्स भी बोला था, आपको बोला था ध्यान देने को। और ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 2.8। तो यही सब है बच्चों कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, आपके वीडियो लेक्चर्स आपके नोट्स से ही आए थे। और मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया है, जिन्होंने अच्छे से अपना लेक्चर देखा है साथ में नोट्स बनाया है, उनका ये सारे क्वेश्चन एक बार में देखते ही करेक्ट हो गए, एक बार में ही सही बन गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक नंबर बताना है हमें उस एलिमेंट का जिसका पीरियड 3 है और ग्रुप क्या है 17। तो ग्रुप 17 यहाँ से देखिए आइडिया लगाइए, जो लास्ट होता है वो होता है ग्रुप 18, ठीक। इसके जस्ट पहले वाला होता है ग्रुप 17 और पीरियड नंबर कह रहा है 3। पीरियड फर्स्ट में क्या होता है आपका हाइड्रोजन से शुरू होता है, पीरियड सेकंड में लिथियम से शुरू होता है और पीरियड थर्ड सोडियम से शुरू होता है। तो आपको कह रहा है पीरियड 3 और ग्रुप 17 में, यानी इस ग्रुप में आपको बताना है जो 17 नंबर पर होगा ये कौन सा एलिमेंट होगा, और मतलब यहाँ पर इसका क्या होगा एटॉमिक नंबर। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आपको पता हो पूरा पोजीशन कि यहाँ सोडियम से शुरू होगा तो यहाँ एंड में क्या आता है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए। कॉमन सेंस ऐसे यूज करना है, आप ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस में क्या है एटॉमिक नंबर 10, 4, 17 और 21। अब आपको 4 देखते ही पता चले तो स्टार्टिंग में ही होगा कहीं, ठीक। तो ये ऑप्शन एलिमेंट हो गया। जो आपका एटॉमिक नंबर 10 है ये आपको पता है किसका होता है, नियॉन का होता है। नियॉन कहाँ पर होता है, ग्रुप सेकंड का लास्ट होता है और ये ग्रुप 18 में आता है, ठीक। यानी जो हमारा नियॉन का पोजीशन है वो है सेकंड पीरियड और ग्रुप 18। फिर है ऑप्शन नंबर डी एटॉमिक नंबर 21। एटॉमिक नंबर 21 होता है स्कैंडियम का और आपको पता है जो स्कैंडियम है वो क्या है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। और यहाँ देखने से पता चला जो यहाँ पर होगा ये आपका क्या होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है 17 ये करेक्ट आंसर हो गया। और इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर 18 होता है वो होता है आर्गन का। आर्गन क्या होता है आपका ग्रुप नंबर 18 में होता है, यहाँ नियॉन के नीचे होता है जस्ट, जो अभी इसके पहले नियॉन का डिस्कशन किया था वहाँ मैंने बताया था जो आपका लास्ट लाइन है इसमें जो लास्ट ग्रुप है उसमें ऐसे अरेंज होता है, यहाँ हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, इस तरह से अरेंज होते हैं। तो ये जो आर्गन है ये 18 है और मतलब इसका एटॉमिक नंबर 18 है और ये ग्रुप 18 में प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17, जो इसके एक जस्ट पहले होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी कि पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि हम जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो जो हमारे चार ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा ट्रेंड गलत है, नॉट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजली, ये ऑप्शन गलत है। देखिए क्या होता है अगर इस पॉइंट की बात करें सिर्फ ऑप्शन नंबर डी की, तो अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, यानी कि जो हमारे एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करते हैं या डिफिकल्ट से लूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इजीली लूज करते हैं। अब क्या होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है, जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता है तो एटॉमिक साइज जो है ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। अब जितना आउटर मोस्ट शेल रहेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान रहेगा। उतना आसान इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ से जो न्यूक्लियस है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ये कम होता जाएगा जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा। इसलिए अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं पीरियोडिक टेबल में
तो क्या होता है, हमारा एटम का साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की टेंडेंसी है वो इजीली हो जाता है। पर वहीं पर अगर हम किसी सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होता है, ये टेंडेंसी कम हो जाती है, इसका अपोजिट होता है। अब अपोजिट इसलिए होता है कि ये रीज़न है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, कम होता है। अब एटॉमिक साइज कम होने का रीज़न क्या होता है कि किसी भी पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तो फिक्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम तीन शेल्स बात कर लें तो इस पूरे पीरियड में जो नंबर ऑफ शेल्स है वो तीन रहेगा। अब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ेगा, साथ में जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो भी एक एक बढ़ेगा। पर क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि ये जो शेल है इसको, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसको टाइटली बाउंड कर लेगा। टाइटली बाउंड मतलब यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी कह रहा है द एटम्स लूज द इलेक्ट्रॉन इजली, ये गलत कह रहा है। बाकी ऊपर के जो ऑप्शन तीन ऑप्शन है ए बी सी, ये आपके सही ऑप्शन है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी हमको गलत वाले को बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स इज रिटन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर, यानी छोटे से बड़े के ऑर्डर में मेटालिक कैरेक्टर को बताना है आपको, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही दिया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका था, एक तो आप प्रॉपर्टी यूज करें और साथ में दूसरा ये कि जो आपके चार ऑप्शंस दिए हैं इन ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके भी आंसर्स निकाल सकते हैं। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में क्या होता है ना, जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, जो आपका मेटालिक कैरेक्टर है वो ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है। तो आपको यही प्रॉपर्टी यहाँ पर याद करना था। अब देखिए ये हो गया सोडियम लिथियम पोटेशियम, ये तो कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, लिथियम ऊपर होता है फिर सोडियम होता है उसके बाद पोटेशियम होता है, अगर ये ऑर्डर दिया होता है तो सही होता। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नहीं ये भी गलत हो गया, ये तो एक पीरियड की बात कर रहा है ठीक। अब जो ये ऑप्शन है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये भी आपका गलत है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। ये आपको सीक्वेंस में बोल रहा है कि पहले बेरिलियम है फिर मैग्नीशियम है फिर कैल्शियम है, यानी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं और इस केस में आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ मेटल एम इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक फर्स्ट ग्रुप में है मतलब क्या है, या तो वो लिथियम वगैरह हो सकता है या सोडियम या पोटेशियम, इस टाइप का कोई वो मेटल है। फिर कह रहा है व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड, अब इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि हमको पता है जो भी फर्स्ट ग्रुप के आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म करते हैं। जैसे क्या फॉर्म करेंगे, Na+ फॉर्म कर लेंगे या फिर K+ Li+ इस टाइप का फॉर्म करते हैं। अब क्या पूछ रहा है, इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप क्या करिए इसमें से किसी एक को उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोडियम उठा लिया, अब सोडियम का ऑक्साइड आप बनाइए तो क्या करेंगे, Na+ हो गया, ऑक्साइड आपको पता है O डबल माइनस, और आपका वही क्रिस क्रॉस मेथड, आप वहाँ वन लिखेंगे इसके नीचे टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आ जाएगा आपका Na2O। और Na तो हमने एक पर्टिकुलर मेटल ले लिया, इन जनरल क्या बोला है ये मेटल M लेने को, तो आंसर हो जाएगा Na की जगह M लिख दो आप, M2O, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक बार टेस्ट में भी पूछा गया है, और साथ में जो आपका वीडियो लेक्चर था जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर, ऑप्शन है लोअल मेल्टिंग, इनसॉल्युबल पोलर सॉल्वेंट, कंडक्टर्स इन फ्यूज स्टेट, और डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर्स इन फ्यूज स्टेट। अब देखिए जो आपके इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है आयनिक कंपाउंड्स डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, ऑप्शन है सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है फ्यूज स्टेट, ऑप्शन सी है सॉलिड स्टेट, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉलिड स्टेट। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पूछा है डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आयनिक कंपाउंड्स आपके इलेक्ट्रिसिटी किस केस में कंडक्ट नहीं करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है सॉलिड स्टेट में। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13, ये दोनों ही क्वेश्चन का सेम पॉइंट हमने डिस्कस किया था,
हमारे जो मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर का लेक्चर है उसमें, तो एक बार मैं आपको वीडियो लेक्चर का भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसे ये सब डिस्कस कराया था। तो देखिए बच्चों, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वहीं आपको लिखकर बताया था कि इनका नाम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी होता है, और साथ में एग्जाम्पल प्रॉपर एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था ताकि आपको अच्छे से याद रहे। फिर इसके बाद जहाँ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, किसकी, आयनिक कंपाउंड्स की। यहाँ देखिए बच्चों, जो हमने यहाँ फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया था, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का आयनिक कंपाउंड्स में जो टॉपिक था, वहां पर देखिए इसको अच्छे से डिस्कस किया था। वहां अंडरलाइन करके भी आपको बताया था कि मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन में, ये देखिए सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में, दोनों केस में आपके आयनिक कंपाउंड्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। देखिए कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में यहाँ पर देखिए सॉलिड स्टेट का भी बताया था कि कंडक्ट जब कब नहीं करेगा, किस केस में, क्या लिखा है, आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर अंडरलाइन भी किया था। और देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आपका पेपर में आ गया कि इनमें से किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। और लकीली बच्चों, जो आपका ये सेम लेक्चर था मेटल्स और नॉन मेटल्स का, इसमें हम लोग ने डिस्कस किया था सेल्सियस और केल्विन स्केल में एक रिलेशन, और उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ गया। ये देखिए यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जो आपका सेल्सियस होता है वो होता है के माइनस 273, ये होता है रिलेशन सेल्सियस डिग्री और केल्विन स्केल में। तो देखा बच्चों आपने, और ये जो हमने डेरिवेशन या फिर ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, सेम इस पर आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया सेल्सियस और केल्विन स्केल का, मतलब कि आपके कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वीडियो लेक्चर से उठ के आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज, ऑप्शन है पोलर कोवेलेंट, ऑप्शन बी है आयनिक, ऑप्शन सी है नॉन पोलर कोवेलेंट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका काफी हद तक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और साथ में थोड़ा सा नॉलेज का भी क्वेश्चन है। देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब आपके अलग अलग एटम्स लेते हैं और उसमें शेयरिंग, सॉरी उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, देखिए पहले कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझना होगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब पोलर उस केस में होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होता है, आपका चार्ज आ जाता है कुछ, तो उससे कहते हैं आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो ऑप्शन नंबर सी है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसको देखिए समझिए, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, और नॉन पोलर से मतलब क्या हो गया कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा। अब देखिए अगर सेम एलिमेंट का एटम है, सेम एलिमेंट का एटम है, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कोई एक्स एटम था, ठीक, एक्स एलिमेंट था और इसका सेम एटम हो गया। अब देखिए कॉमन सेंस की बात क्या है कि जितना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी इसकी भी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, यानी ये जब आपस में बॉन्ड फॉर्म करेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, साथ में इनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आएगा, यानी ये नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एन एलिमेंट हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट फॉर्म्स बॉन्ड बाय, ऑप्शन है लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी है एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बच्चों क्या होता है, अगर आउटर मोस्ट शेल में आपका 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उस केस में आप इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, और अगर 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। पर अगर अगर आपका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस केस में ना ही लूज करता है ना ही गेन करता है, उस केस में होता है आपका शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आपका कार्बन में होता है, सिलिकन में होता है। अब बच्चों जहां पर हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ आयंस, वहीं पर हमने ये पॉइंट देखा था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट केस में, तो उसमें ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही ये गेन करेगा। तो मतलब ये वाला भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस इन, ऑप्शन है साइज ऑफ एटम, ऑप्शन बी है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एटम, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, और ऑप्शन डी है एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एटम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो क्या होता है, अगर अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है,
तो उस केस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, आयनिक परसेंटेज जो है वो ज्यादा होता है, और जिस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है उस केस में जो हमारा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर है ये भी कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, यानी किस तरह के बॉन्डिंग में आपका जो प्रोटॉन्स है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रोवैलेंट, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है कोवैलेंट और ऑप्शन डी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अ मॉलिक्यूल विथ मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स, यानी हमको वो मॉलिक्यूल बताना है जिसमें मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड हो। तो इसके लिए देखिए आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, C2H4। C2H4 का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दो कार्बन हो गए, आपका हाइड्रोजन चार है, 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, पर ये जो कार्बन कार्बन है इसके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो यानी इस स्ट्रक्चर में C2H4 में सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन में भी सिंगल सिंगल बॉन्ड, और नाइट्रोजन में एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पर भी सेम टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पर जो आपका ऑप्शन नंबर 8 है इसमें मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा वो उसका ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होगा। ऑप्शन में क्या है, एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 19 है। अब ये वाला भी क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया था। देखिए मैं गिनाता हूँ आपको कहाँ कहाँ हमने डिस्कस किया था। जो हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन जो था उस पार्ट में इसको डिस्कस किया था, साथ में जो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर था उसमें भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था, और एक और जगह इसको डिस्कस किया था कहाँ पर, जहाँ हमने एसिडिक रेन के बारे में पढ़ा था वहाँ पर भी इस पॉइंट को इनडायरेक्ट वे में हमने डिस्कस किया था। देखिए कैसे डिस्कस किया था वो समझाता हूँ। आप क्या करिए, जो एटॉमिक नंबर है ना इसके साथ एलिमेंट लिख लीजिए क्या क्या हो रहा है। जैसे 7 हो गया आपका नाइट्रोजन, ठीक, 3 हो गया लिथियम, 12 हो गया मैग्नीशियम और 19 हो गया पोटेशियम। तो देखिए आपको याद हो रहा था कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसका ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ फॉर्म होता है, जब कंबाइन होता है तो फॉर्म करता है नाइट्रिक एसिड जो आपका एसिडिक रेन होता है। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, और साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो बेसिकली एसिड इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। यानी जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, इनका नेचर एसिडिक होता है, और जो मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेसिक इन नेचर होते थे। और मैंने ये भी बताया था कि एग्जाम में जब आए तो आप क्या करिएगा, एग्जाम्पल सोच लीजिएगा। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को यूज किया होगा वीडियो लेक्चर का, उनका आसानी से क्वेश्चन ये वाला बन गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच सेट ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये सेम क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज इक्वल टू, अब देखिए वैलेंस शेल आपको पता है क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके इक्वल हो रहे हैं वो पूछ रहा है। तो देखिए एटॉमिक मास तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको देखते ही पता चल रहा है, और एटॉमिक वॉल्यूम से भी इसका लेना देना नहीं है। तो अब कन्फ्यूजन होता है ऑप्शन नंबर बी होगा कि सी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप नंबर। देखिए क्या होता है, जितने नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे 1 2 3, ये जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना इससे आपका डिसाइड होता है पीरियड नंबर, यानी वो किस पीरियड में आ रहा है, और आपके पीरियड होते हैं 7 पीरियड, ठीक ऐसे। पर यहाँ पर क्या पूछा है, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसका आंसर है ग्रुप नंबर। इससे आपका क्या होता है, ग्रुप नंबर डिसाइड होता है, यानी कि ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा एलिमेंट का एटम है जो इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज करेगा। तो देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट अभी हमने पीछे ही पढ़ा था, और कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो
तो उस केस में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स इजिली लूज हो जाते हैं। और वहीं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इस केस में आपका इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं होता। तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज होता है। यहाँ हो गया सोडियम, उसके बगल में हो गया मैग्नीशियम, सोडियम के नीचे हो गया पोटेशियम और मैग्नीशियम के नीचे हो गया कैल्शियम। तो देखिए आप नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज होगा, और इधर जाएंगे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमारा के है पोटेशियम, ये करेक्ट आंसर हो गया, मतलब 22 का ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड। तो देखिए इसमें पूछा आपके कौन सा मेटल लिक्विड होता है। ऑप्शन है सोडियम, गोल्ड, मर्क्यूरी और डायमंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने डिस्कस किया था जो हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर था, उसमें जहाँ हम फिजिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, उसमें इस पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया था। चल मैं आपको वहाँ वीडियो लेक्चर में दिखाता हूँ। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। याद रखिए जितने भी मेटल्स हैं, जनरली मेटल्स का जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड्स। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है मर्क्यूरी का। देखिए ये एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी आपको एग्जाम्स में पूछता रहता है, क्या पूछता है क्वेश्चन कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उसका आंसर होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड मेटल, वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो देखा बच्चों आप लोग ने, एग्जैक्ट क्वेश्चन वीडियो लेक्चर का आपका इसमें पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24 पूछ रहा है, द एटम्स कंबाइन विद अनदर टू फॉर्म। तो इसका तो बहुत इजी सा आंसर है कि जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो सबसे पहला लेक्चर था, जो सबसे बेसिक लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कस किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल वेरीज फ्रॉम। यानी कि वैलेंस शेल में जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ से कहाँ वेरी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 to 8। अब इस पॉइंट को भी हमने कवर किया था जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उसके लास्ट लेक्चर में, कहाँ पर जहाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखा था वहाँ पर इस पॉइंट को अच्छे से देखा था। और वहाँ ये भी सीखा था कि वैलेंस शेल या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको कैसे निकालते हैं या फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए एक बार वीडियो लेक्चर में चलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी एटम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो उसका आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर से सुनिए, जो सबसे बाहर वाला शेल है आउटर मोस्ट शेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आ रहे हैं वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कहलाता है क्योंकि यही इसकी वैलेंसी डिसाइड करता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही आपका वैलेंसी का पता चलता है। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की खास बात यह है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। यानी कि जब कोई एटम केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, वही केमिकल रिएक्शन करते हैं। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करने का तरीका क्या है, वही आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल ऐसे 285 लिख लीजिए, और इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता करना हो गया, तो जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब वापस से हम उस पुराने टेबल पे चलते हैं, समझते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस एटम में कितने हैं। तो देखिए सबसे ऊपर हाइड्रोजन शुरू करते हैं। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, हीलियम में 2 है, लिथियम में देखिए आउटर मोस्ट हुआ 1, ये सबसे बाहर वाला हुआ, तो लिथियम का नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गया 1। इसी तरह बेरिलियम में 2, बोरॉन में 3, कार्बन में 4 एंड सो ऑन, 5, 6, 7, 8, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 1, 2। ये जो आपके सबसे बाहर वाले दिख रहे हैं यही आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखा बच्चों आप लोग ने, ये क्वेश्चन भी हू बहू आपका यहाँ से आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम बच्चों का सही है। पूछ रहा है कि जो हमारा फिजिकल स्टेट होता है वाटर का, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड। वाटर हमारा क्या होता है, पानी के स्टेट में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई। अब देखिए इस क्वेश्चन में मजेदार बात है, बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि इसका आंसर हम गोल्डस्टीन करें या फिर रदरफोर्ड करें। और जितने बच्चों ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा, इसका ट्रिक याद करा होगा, उन्होंने ये क्वेश्चन सही करके आया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन। अब ये क्वेश्चन आपका आया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, और उसमें जहां हम डिस्कवरी वगैरह पढ़ रहे थे प्रोटॉन की, वहां पर हमने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कशन किया था। और ये जो कन्फ्यूजन था गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड का,
ये दोनों को भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, और ये भी बताया था कि अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको कैसे हैंडल करना है। तो चलिए एक बार मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जेजे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की चैडविक। अब देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रोटॉन का गोल्डस्टीन है ये हर जगह मतलब अलग अलग मिल जाएगा। आपको कहीं जगह इसको रदरफोर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा और कुछ जगह गोल्डस्टीन मिल जाएगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है क्योंकि एक ने की थी प्रोटॉन की खोज और एक ने की थी न्यूक्लियस की खोज। न्यूक्लियस क्या था, हमारा पॉजिटिवली चार्ज आया था और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की खोज हो गई थी। पर जो हमारा एनसीईआरटी है जिसको हमें ध्यान में लेके चलना है क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है आपको एनसीईआरटी से मैच करता है और जो प्रेफर्ड बुक भी बोला गया है किसी भी कंपटीशन के लिए वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी अब आप जब पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो गोल्डस्टीन को दिया हुआ है, रदरफोर्ड को नहीं दिया हुआ है। तो याद करने के लिए आप गोल्डस्टीन याद रखिए। अब देखिए ये तीनों याद कैसे रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है कि आप याद रखिए ईटे पद नाच, क्या याद रखिए ईटे। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है इसका करेक्ट आंसर है गोल्डस्टीन। ठीक बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन हैज मैक्सिमम ऑफ। मैक्सिमम ऑफ मतलब पूछ रहा है कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है सबसे बाहरी शेल उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब इसको हम देखते हैं लेक्चर में। अब ये वाला भी पॉइंट जो है हमने देखा था जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इसको कवर किया था। तो सुनिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट समझाया गया था। फिर देखिए सेकंड रूल जो है वो ये कहता है जो आउटर मोस्ट शेल होगा किसी भी एटम का, जैसे आपका बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये अलग अलग आउटर मोस्ट ये शेल्स हो गए। अब इसमें जो भी सबसे बाहर वाला होगा जैसे समझिए ये आपका हो गया आउटर मोस्ट शेल, तो सेकंड रूल कहता है कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। अगर वो आउटर मोस्ट शेल है 8 से कम तो हो सकता है पर ये कोई भी नंबर का शेल हो, अगर KLMN कुछ भी हो गया कितना भी बड़ा आप चले जाएं, लेकिन अगर वो आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2n2। और क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जो किसी भी एनर्जी लेवल, किसी भी एटम के एनर्जी लेवल में एकोमोडेट हो सकेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 2n2। और अभी जो हमने वीडियो लेक्चर देखा जहां पर ये 8 वाला पॉइंट देखा था, ये था आपका पॉइंट नंबर सेकंड। इसका जो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था ना इसमें यही 2n2 वाला रूल देखा था। तो ये देखिए बच्चों जहां पर हमने इस पॉइंट को कवर किया था, पहला रूल जो है वो है आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं आपके किसी भी शेल में 2n2। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार मैं बोल रहा हूँ इसीलिए याद कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखा आप लोगों ने दो क्वेश्चन तो डायरेक्टली जो आपका जो रूल्स था उसी से आ गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ऑप्शन बी है फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन सी है ट्रीटिंग गोइटर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में जो कोबाल्ट का आइसोटोप है इसका यूज किया जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों ये भी आपका डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से आया है। किस वीडियो में था, जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आइसोटोप पढ़ा था वहां पर हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि जो हमारा कोबाल्ट का आइसोटोप है इसका हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। तो एक बार वीडियो में देखते हैं। एनसीईआरटी में जो दो तीन पॉइंट मेंशन है उसमें एक है यूरेनियम, जो यूरेनियम का आइसोटोप है उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। कहां पर, न्यूक्लियर जनरेटर में या फिर जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। फिर हमारे कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट का आइसोटोप एक यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है। तो ये किसका है, कि कौन सा एलिमेंट है, कोबाल्ट एलिमेंट है। और एक और पॉइंट आपका एनसीईआरटी मेंशन करता है वो है आयोडीन का आइसोटोप का। आयोडीन का आइसोटोप आपका यूज होता है गोइटर के ट्रीटमेंट में। और ये वाला पॉइंट तो आपने बायो में भी पढ़ा होगा। तो देखा बच्चों आप लोग ने डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन उठकर आ गया। उसके बाद जो हमने आयोडीन का डिस्कशन किया आयोडीन का भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ऑल इनर्ट गैस एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल एक्सेप्ट। यानी जितने हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट, किस केस में नहीं होते। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीलियम में। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही है और इस पॉइंट को भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था और साथ में इस पॉइंट पर मैंने जोर भी दिया था कि आप लोग हीलियम जरूर याद रखिएगा।
तो एक बार वीडियो लेक्चर में देखते हैं इस पॉइंट को। अब देखिए, जो हम वीडियो लेक्चर्स में पॉइंट देख रहे हैं ना, इससे दो चीज हो रहा है। एक तो ये हो रहा है कि जो हमने क्वेश्चंस जो आपको आ रहे हैं वो डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से आ रहे हैं कई सारे, और दूसरा पॉइंट ये कि आपका रिविजन भी हो जा रहा है, आपका जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन समझने का, जो इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर हो जा रहा है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो एटम स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया मतलब वो अब किसी से कंबाइन नहीं करना चाहता, वो कंबाइन नहीं होगा और ना वो रिएक्ट करना चाहेगा, यानी इनर्ट इन नेचर होगा। और ये कौन कौन से होते हैं? हीलियम, आर्गन, नियॉन भी आपका जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, क्रिप्टन, जिन और रेडॉन, इसको पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं तो अभी इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। और एक और हीलियम यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हीलियम के आउटर मोस्ट में दो होता है। आपको एक हीलियम का केस अलग से याद करना है। हीलियम हमारा एक स्पेशल केस है जिसमें आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दो ही होता है और ये काफी स्टेबल होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय, ऑप्शन क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन सी है फोटोलिसिस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब होता है हीट से ब्रेक होना, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, लिसिस मतलब ब्रेक करना, फोटोलिसिस मतलब फोटो मतलब लाइट का यूज करके ब्रेक करना, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आया है आपका जो वीडियो लेक्चर थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, उसमें जहाँ हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, वहां जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े थे वहां पर इसका हमने डिस्कशन किया था। तो चलिए अब इसको भी एक बार लेक्चर में देख लेते हैं और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको समझते हैं। वो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब जैसा नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं और लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करना। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में होता है बेसिकली जो आपका वाटर है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पर क्या था, आपका PbNO3 होल्ड वाइज ये डिकम्पोज हो गया किसमें, तीन प्रोडक्ट में, PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसमें ध्यान क्या रखना था कि NO2 का जो कलर है वो ब्राउन होता है। फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इसका रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि H2O जो है ब्रेक हो जा रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये इलेक्ट्रिसिटी की यूज करके जो H2O है इसको ब्रेक डाउन करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क इसमें यूज करते हैं और इसका एक प्रॉपर एक्टिविटी आपके NCERT में देखे रखा है। जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा वैसे ही आपका एक होता है प्रोसेस फोटोलिसिस, उसमें क्या होता है हम लाइट का यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों इसका मतलब जो इसका फाइनल आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोलिसिस, और ये वे आपका डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या होता है। ऑप्शन कह रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर कह रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑप्शन सी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें ये तीनों प्रोसेस होता है। अब ये क्वेश्चन भी आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर का है, और ये जहाँ टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। तो चलिए एक बार वीडियो लेक्चर में देखते हैं और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन का एकदम इजी लैंग्वेज में, अगर आसान भाषा में मतलब समझे तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, साथ में ही ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिडक्शन आपका ठीक उल्टा हो गया, रिडक्शन में क्या होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल, इस टाइप के रिएक्शन को आप कहेंगे रिडक्शन। यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन आया था, Which of the following has highest density? इनमें से डेंसिटी किसका सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन है वाटर, आयरन, एयर और हनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आयरन। आयरन में क्या होता है आपका सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है। अब देखिए, तो आपको कॉमन सेंस से भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते थे। कॉमन सेंस से ऐसे कि आपको पता है जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनका क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है, उनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। अब आपको पता है एयर का तो क्या है, बहुत कम डेंसिटी है, इसका तो वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है। ठीक, वाटर का भी आपका डेंसिटी कम होता है, हनी आपका डेंस होता है पर आयरन से कम होता है, और हनी का डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है। तो हनी डेंस तो है पर इसमें पूछा है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में आपका क्या हो जाएगा, आयरन। आयरन आपका क्या है, सॉलिड है,
इसलिए इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 66 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू। अब देखिए इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, जो अभी मैंने एक आपको लेक्चर दिखाया था उसमें मैंने बताया था कि हम लोगों ने सेल्सियस और केल्विन को कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखा था, और रिलेशन होता है C इज इक्वल टू के माइनस 273। यहाँ से डायरेक्टली आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, आपको पूछ रहा है केल्विन में, तो देखिए केल्विन क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C प्लस 273, ये हो जाएगा। अब यहाँ दिया हुआ 66 डिग्री, तो मतलब क्या करना है आपको, 273 में 66 ऐड करना है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इधर 9 आ गया, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, तो यानी 339 केल्विन आपका ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट आंसर हो गया, और ये भी आपका वीडियो लेक्चर से डायरेक्ट आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस वेयर अ लिक्विड चेंजेस टू गैस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये मैक्सिमम बच्चों का सही है। क्वेश्चन कह रहा है वो प्रोसेस बताइए जिसमें एक लिक्विड एक गैस में चेंज हो जाता है, यानी इसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या होता है, आपका लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होता है। जैसे अगर हम पानी उबालते हैं तो पानी उबालने में क्या होता है, आपका जो पानी है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और उसके बाद जब हम इसको हीट करें, जब टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो ये वेपर्स में, वाटर वेपर के फॉर्म में ये इवेपोरेट हो जाता है, तो इसको कहते हैं वेपराइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एब्सोल्यूट अल्कोहलिज, ऑप्शन है 100% मिथेनॉल, ऑप्शन बी 100% एथेनॉल, ऑप्शन सी है 5% प्लस 95% मिथेनॉल, और ऑप्शन डी है 5% प्लस 95% इथेनॉल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 100% इथेनॉल। और ये जो एब्सोल्यूट अल्कोहल है, इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन आपका एक महीना पहले जो जेएमआई का एंट्रेंस हुआ था उसमें भी पूछा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज, जो आपका गिवन ये चार ऑप्शन है इसमें आपको बताना है कि मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। ऑप्शन है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, फिर है कैल्शियम, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा रिएक्टिविटी बढ़ता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है, और वहीं जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करता है, यानी कम होता है। अब ये जो चार एलिमेंट है इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर देते हैं। देखिए क्या होता है, आपका सोडियम ये है, इसके जस्ट नीचे होता है पोटेशियम, सोडियम के बगल में होता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के जस्ट नीचे होता है कैल्शियम। ठीक, तो मतलब नीचे आने पे आपका जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ेगा। ठीक, तो मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्ट हो जाएगा सोडियम से, और लेफ्ट टू राइट जाने पे रिएक्टिविटी कम होगा, यानी मैग्नीशियम कम रिएक्टिव है सोडियम से, तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर आपका पोटेशियम हो जाएगा। और इसी टाइप का जो सिमिलर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22 में, जहां पूछा था विच विल लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, तो वहां पर भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज था, और वहां पर भी आपका आंसर क्या था, पोटेशियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑफ, ऑप्शन है CaO, ऑप्शन बी है MgCl2, ऑप्शन सी है NaCl, और ऑप्शन डी है CaCl2। जैसा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए होगा क्योंकि ये फॉर्म होता है Ca++ और O-, से तो क्या होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग एटम्स है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग, यानी पूछ रहा है इनमें से कौन सा मेथड आपका सुटेबल है, आपको किस लिए प्रिवेंट करना है, बचाना है आयरन फ्राइंग पैन को, आयरन फ्राइंग पैन को आपको बचाना है रस्टिंग से। तो ऑप्शन क्या है, अप्लाइंग पेन, ये देखिए थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ क्या होना चाहिए, पेंट होना चाहिए। ठीक, फिर ऑप्शन क्या है, अप्लाइंग ग्रीस, फिर कह रहा है अप्लाइंग कोटिंग जिंक, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग कोटिंग जिंक, और इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन मैंने आप लोगों को कई बार बताया था आपके वीडियो लेक्चर में। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ए बी को हम देखिए रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज तो करते हैं, पर यहाँ पर हमको यूज करना है आयरन फ्राइंग पैन में, यानी हमको खाने के लिए यूज करना रहेगा, साथ में हम इसको टेम्परेचर देंगे, बार बार इसको हीट करेंगे, तो देखिए जब बार बार हीट करेंगे फिर जैसे ये फ्राइंग पैन है तो इसको धुलेंगे भी, तो क्या होगा जब बार बार इसको यूज करेंगे तो इसके ऊपर का जो पेंट है और जो ग्रीस है वो हट जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग कोटिंग जिंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज, ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और आयरन। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है, यहाँ पर क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। अब देखिए जो कैल्शियम का ऑक्साइड है, अभी जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ के आया, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड हमारा सॉल्युबल इन वाटर भी है। जब इसको H2O से रिएक्ट कराते हैं तो इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। अब ये वाला जो पॉइंट था ना बच्चों, इसको भी हमने डिस्कस किया था जो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला लेक्चर था, उसमें जहां हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, उसमें इस पॉइंट का हम लोगों ने देखा था और ये भी समझा था कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं इनका नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। और यहाँ पर एक और टर्म यूज किया था कि जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एल्कली, तो मतलब ये एक तरह से रिलेटेड था, वहां से आप अगर इसको रिलेट कर पाए होंगे तो इसका आप लोग आंसर आराम से निकाल लिए होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, ऑप्शन ए है जिंक इज मोर कॉस्टली देन टिन, ऑप्शन बी है जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन और ऑप्शन डी है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, टिन मतलब SN, और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हमारे जो फूड कैंस हैं उनको हम लोग टिन से कोट करते हैं, जिंक से कोट नहीं करते। तो देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट ये है ना कि जिंक जब आपका ज्यादा रिएक्टिव है तो ये जो जिंक है ये हमारे फूड आइटम से रिएक्ट कर जाएगा और जो हमारा फूड है उसको क्या कर देगा, अनहेल्दी बना देगा कंज्यूम करने के लिए, इसलिए हम लोग जिंक में इसको कोट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं टिन का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज, ऑप्शन कह रहा है क्लोरोफॉर्म, मीथेन, एसिटिक एसिड, एथेनॉल। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। अब इसको भी सॉल्व करने का दो तरीका था, एक तो आपको इसके पीछे केमिस्ट्री पता हो, जैसे एसिटिक एसिड में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप कॉमन सेंस का यूज करें। देखिए क्लोरोफॉर्म आपको पता है, आप लोग सुने होंगे कि ये क्या होता है, उड़ जाता है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। मीथेन आपका क्या होता है, गैस होता है, रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम रहा होगा और इतना कम रहा होगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कुछ नेगेटिव में होगा। फिर इथेनॉल, इथेनॉल क्या है आपका अल्कोहल होता है, अल्कोहल भी क्या होता है इनका जो अल्कोहल के हमारे बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये कम होते हैं, पर जो इथेनॉल है और एसिटिक एसिड है ये दोनों का आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और ये दोनों का आपस में कंपेयर जब करेंगे तो एसिटिक एसिड जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट हो जाएगा गिवन कार्बन के कंपाउंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज, ये तो आपका एकदम इजी क्वेश्चन है, आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ब्यूटेन मतलब क्या होता है, चार, देखिए मेथ मतलब एक, ब्यूट एथ मतलब टू, प्रॉप मतलब तीन और ब्यूट मतलब चार। तो ब्यूटेन क्या हो गया, एल्केन है और इसमें चार कार्बन होंगे, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C4H10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, मतलब ये आपका क्वेश्चन आ गया मोल कंसेप्ट से। अब देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार प्रैक्टिस किए थे, जो सबसे पहला मोल वाला लेक्चर था जहां आपने थ्योरी समझाई थी वहां पर भी इसको करे थे, साथ में मोल के तो हमने तीन वीडियो डिस्कस किए थे, तीन न्यूमेरिकल के वीडियो, पूरा तीन वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल करे थे, तो जो उन वीडियोस को देखा होगा उसका तो क्वेश्चन देखते ही बन गया होगा। तो चलिए अब यहाँ एक बार रिवाइज करते हैं इसको कैसे सॉल्व करे थे। देखिए क्या होता है कि एक मोल N2 गैस का जो मास है वो ग्राम्स में कितना हो जाएगा, 28 ग्राम्स। अब यहाँ पर बात कर रहा है 0.5 मोल, तो 0.5 मोल्स का क्या हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 0.5 जो कि आ जाएगा 14 ग्राम, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए 14 ग्राम करेक्ट है और ये भी आपका वीडियो लेक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, ऑप्शन कह रहा है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी कह रहा है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और ऑप्शन डी है
डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी तो सबसे पहले काट दीजिए, ये तो हो नहीं सकता। अब आपको सोचना है तो ऑप्शन नंबर ए बी सी में क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब डी ऑप्शन को हमने देखते ही इसलिए काट दिया क्योंकि जो आइसोटोप का डेफिनेशन था उसमें ही हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है, और मास नंबर डिफरेंट होने का रीजन हमने पढ़ा था कि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और साथ में जो ऑप्शन नंबर ए और बी है ये उल्टा दे दिया है, क्या होता है उसमें डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है आइसोटोप्स में। अभी जो आइसोटोप्स का ये जो क्वेश्चन है ना, इस चारों पॉइंट को हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था जब हम लोग आइसोटोप टॉपिक पढ़ रहे थे, साथ में आइसोटोप के बाद में यूजेस भी देखे थे। आप लोगों ने देखा कि उसके यूजेस जो थे उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। तो आइसोटोप्स का ये जो चार पॉइंट था इसको भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया था, तो एक बार वीडियो लेक्चर में देखते हैं ताकि आपका क्विक रिविजन भी हो जाए और साथ में ये भी पता चल जाए कि वहां से कैसे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। आइसोटोप्स का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आइसोटोप्स से हमारे पेयर होते हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब इसको थोड़ा समझते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब कोई भी आइसोटोप ले लेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही होंगे, जो डिफरेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में, तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंट होती है, तो देखिए जो आइसोटोप्स हैं उनका मास नंबर डिफरेंट होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा इसका मतलब जो न्यूक्लियॉन का कंपोजिशन है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस का कंपोजिशन है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट होंगे, प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, डिफरेंट क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब डिफरेंट होंगे तो उसकी वजह से जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी क्योंकि इसका मास डिफरेंट होगा। और एक और बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की और डेंसिटी वगैरह की। अब आप तो बच्चों देखा आप लोगों ने जो पॉइंट हमने वहां डिस्कस किया सेम उसी को चारों पॉइंट को उठा करके यहाँ क्वेश्चन बना दिया और ये क्वेश्चन फ्रेम करके आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- माइनस आयन इज, ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 18। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 8। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है कि जिसको बस इतना पता हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस नंबर से किस नंबर के बीच में लाइक करते हैं तो भी इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लिया होगा। उसे पता है 8 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो 16, 17 और 18 ये तीन ऑप्शंस तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बी 8। अब इसके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझते हैं और इस पॉइंट को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है वीडियो लेक्चर में, तो चलिए वहीं पर हम लोग इसको समझ लेते हैं। 17 था, अब देखिए आउटर मोस्ट में 7 है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आउटर मोस्ट में इसका कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 8 इलेक्ट्रॉन होने से ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होता है, एक बाहरी इलेक्ट्रॉन आके इसमें कूद जाता है और आएगा कहाँ, तो आउटर मोशन में आएगा। तो देखिए ओवरऑल इस पे एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया क्योंकि आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर थे इलेक्ट्रॉन्स आपके 17, पर जब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपका Cl- फॉर्म हो गया और Cl- में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया 18, और इसका कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया Cl- का 2 8 8, और आप देख रहे हैं लास्ट में 8 आ गया जिसकी वजह से ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब बच्चों जो आउटर मोस्ट है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल है वो हो जाएगा 8, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम देखिए, सोडियम मतलब क्या आता है, एटॉमिक नंबर 11, 11 मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। अभी जो ऊपर वाला मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए जो भी ऊपर वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ना, जहाँ Cl का कॉन्फ़िगरेशन देखा हो Cl- का, जस्ट उसके पहले हमने वीडियो लेक्चर में सोडियम का भी पढ़ा था और प्रॉपर डायग्राम से मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ये कैसे आता है, तो एक बार वहाँ इस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। Z is equal to 11, तो आपको पता है 11 मतलब सोडियम, और इसमें इलेक्ट्रॉन जब एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए आपके 11। अब 11 कैसे फिट करेंगे वो सीखते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आप फिल कर दीजिए, अब सेकेंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और यहाँ हमारे पास टोटल ये 11 होगा, इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं, अब सेकेंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 2 आपके एक्वायर हो गए तो बचे कितने, 11 में से 2 घटाए 9 बच रहा है, सेकेंड में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो 8 को आप बैठा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये 8 और अंदर वाले में 2 10 हो गया टोटल। अब बचा एक इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा थर्ड वाले शेल में, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाएगा, लिखेंगे सोडियम, फिर लिखेंगे 2 कॉमा सेकेंड शेल में 8,
कॉमा थर्ड सेल में एक, तो 281 हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम का। यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 281। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन ए ट्रीटमेंट ऑफ गटर, ऑप्शन बी है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी है न्यूक्लियर रिएक्टर एस्प्यूर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रीटमेंट ऑफ गटर, और ये भी डायरेक्ट आ गया आपका वीडियो लेक्चर से। देखिए जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है ये क्या था, कोबाल्ट वाला था, ठीक। और ये जो कोबाल्ट वाला क्वेश्चन है ये थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस किया था, वहां से एक क्वेश्चन आया, और ट्रीटमेंट ऑफ गटर यहाँ से ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो दोनों मतलब आपका आइसोटोप से एक तरह से तीन क्वेश्चन आ गया, जहाँ ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, फिर ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वाला क्वेश्चन जिसमें कोबाल्ट था, और यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गटर आयोडीन का आइसोटोप का यूज, और ये तीनों क्वेश्चन आपके वीडियो लेक्चर से डायरेक्टली आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार्स आर, ऑप्शन दिया कैल्शियम आर्गन, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बन, सॉरी ये आर्गन है और यहाँ कैल्शियम के साथ कार्बन है, ठीक। ऑप्शन सी है प्रोटियम ट्रिटियम, और ऑप्शन डी है कैल्शियम और क्लोरीन। तो देखिए सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, आइसोबार का एक बार डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। आइसोबार बेसिकली वो होता है ना, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्या करते थे हम डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लेते थे जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर जो मास नंबर होता था वो सेम होता था। क्या होता था, जो मास नंबर था, जो एटॉमिक वेट लेते थे वो सेम होता था। तो उस टाइप के उस पेयर को हम क्या कहते थे, आइसोबार्स कहते थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और आर्गन। अभी जो पेयर है ना, सेम एग्जांपल हमने डिस्कस किया था हमारे वीडियो लेक्चर में और डायरेक्टली वही उठकर आ गया। तो एक बार हम लोग वीडियो लेक्चर से इसको रिवाइज करते हैं। अब एक प्रॉपर एग्जांपल से इसको समझते हैं। जो आपका वेरी कॉमन एग्जांपल है वो है आर्गन और कैल्शियम का। आर्गन होता है आपका Ar और कैल्शियम होता है Ca। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और कैल्शियम का होता है 20। अब आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर होता है 40। तो ये हो गए हमारे आइसोबार्स। इस आर्गन और कैल्शियम को हम बोलेंगे आइसोबार। क्यों? क्योंकि ये एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट का। ये आर्गन का एटम हो गया, ये कैल्शियम का एटम हो गया, और डिफरेंट एलिमेंट तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर इसका डिफरेंट हो गया, इसका 18 इसका 20। पर कॉमन क्या है इसमें, मास नंबर। आर्गन का भी मास नंबर 40 है और कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है। तो इस तरह के पेयर को हम बोलेंगे आइसोबार। तो देखा बच्चों आप लोग ने जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, सेम डिटो वही आपका उठकर आ गया यहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट, द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम इन डिफरेंट शेल्सेस। यानी ये हमसे पूछ रहा है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 283। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसका तो हमने प्रॉपर वीडियो लेक्चर में देख ही चुका है, जहां अभी हम लोग ने कितने बार सोडियम का पढ़ा, क्लोरीन का पढ़ा, तो वहीं सेम टेबल में हमने जो एल्यूमिनियम है इसका भी अच्छे से डिस्कशन किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वैलेंसी इन बेरिलियम इज। अब ये क्वेश्चन भी आपका वीडियो लेक्चर से है। देखिए पहले समझते हैं बेरिलियम का। बेरिलियम क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर 4, ठीक। अब एटॉमिक नंबर 4 होने के बाद जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है 2.2। तो पूछा है वैलेंसी, वैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन, तो मतलब 2 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अब अगला क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट इज। तो देखिए ये तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। यह हमने जो लेक्चर पढ़ा था आयनिक कंपाउंड्स और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मूले, उसका एग्जांपल, उससे क्वेश्चन आ गया। और मुझे याद आ रहा है कि मैंने कॉपर नाइट्रेट का भी एग्जांपल आप लोग को लेके समझाया था। तो देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर उठकर आ गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कॉपर आयन होता है Cu+2 और जो नाइट्रेट होता है वो होता है NO3 सिंगल माइनस। तो क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से नीचे लिखते हैं इधर 2 इधर 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, Cu NO3 होल ट्वाइस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से कौन सा मिक्सचर नहीं। ऑप्शन ए सी वाटर, ऑप्शन बी है प्योर वाटर, ऑप्शन सी है एयर और ऑप्शन डी है ब्रास। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्योर वाटर। अब देखिए सी वाटर इसलिए नहीं होगा क्योंकि क्या होता है, सी वाटर में कई सारे सॉल्ट्स मिले होते हैं, कई सारे मिनरल्स मिले होते हैं, तो ये प्योर नहीं है, ये एक मिक्सचर नहीं है। सॉरी मैं गलत बोल गया। तो ये क्या है, ये एक मिक्सचर है क्योंकि इसमें कई सारे वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। फिर देखिए एयर में क्या होता है, आपका अलग अलग
डस्ट पार्टिकल्स भी हो गए, आपके डिफरेंट टाइप के गैस भी हो गए, तो ये क्या हो गया एक तरह से मिक्सचर। ब्रास क्या है, ब्रास आपका एलॉय है जो दो डिफरेंट मेटल से मिलके बनता है, यानी ये भी एक मिक्सचर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी प्योर वाटर मिक्सचर नहीं है, इसका 54 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी प्योर वाटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो इसका जो ऑप्शन है वो है क्यूबिक मीटर, किलोग्राम, पास्कल, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पास्कल, और ये वाला भी क्वेश्चन आपका डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से उठकर आ गया है। जहां पर हमने मोल पढ़ा था स्टार्टिंग में, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, बेसिक एसआई यूनिट्स पढ़े थे आपके जो 7 मेन होते हैं स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो प्रेशर है उसका यूनिट हो जाता है पास्कल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेटल्स आर द एलिमेंट्स दैट, ऑप्शन क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है गेन इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है शेयर इलेक्ट्रॉन्स, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए लूज इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी आपका डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से उठकर आ गया है। और देखिए मेटल्स का जब मैंने स्टार्टिंग आपको बताया था, तो देखिए मैंने आप लोग से आपस में डिस्कशन करते हुए क्या पूछा था कि मेटल्स को डिफाइन करिए। तो मेटल्स का डिफाइन करने में मैंने बताया कि कई लोग क्या करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी बताने लगते हैं कि वो जो डक्टाइल हो, वो जो मैलेबल हो, उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। पर मैंने बताया नहीं, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो डिफाइन करने का तरीका है, तो उसमें क्या बताया था कि जिस एटम के या फिर जिस एलिमेंट के एटम में आउटर मोशन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको हम लोग मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करके एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन फॉर्म कर लेता है। तो यहाँ से हमने क्या डिस्कवर किया कि जो 56 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लूज इलेक्ट्रॉन्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका मोल कंसेप्ट से, यहाँ पर आपको मोल कंसेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है। अब जो हमारे न्यूमेरिकल वाले वीडियोस थे ना, तो उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स, या फिर यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे जब अलग अलग वेट आपको दिया हुआ है। तो देखिए चारों को यहाँ सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, 19 CO2, ये तो सीधे कह रहा है कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है 19, ठीक। अब ऑप्शन बी कहते हैं 1 ग्राम N2, 1 ग्राम N2 में हमको पता करना है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखिए क्या होता है कि आपके Na मॉलिक्यूल्स यानी 6.023 × 10³³ जो होते हैं, उतने मॉलिक्यूल्स कब होंगे जब आपका N2 जो मास होता है, N2 का मास हो गया 28 ग्राम, यानी जब 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस लेंगे तो उसमें Na मॉलिक्यूल्स होंगे। पर यहाँ क्या है, 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम में क्या हो जाएगा, Na/28, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में Na/28 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब ऑप्शन सी पे आते हैं 1 ग्राम H2, तो देखिए इसमें भी सेम लॉजिक है, Na मॉलिक्यूल्स कब होंगे जब 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाएगा, Na/2, Na/2 ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक इसी तरह 1 ग्राम CH है, तो देखिए Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CH कब होंगे जब इसका जो मोलर मास है उसमें उसके बराबर हो, यानी कार्बन का होता है 12 + 1 = 13, जब 13 ग्राम होगा उस केस में आपके Na मॉलिक्यूल्स होंगे, पर यहाँ 1 ग्राम है, तो यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, Na/13। तो इसमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे बड़ा क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा है Na/2, ये हो गया सबसे ज्यादा, यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो 57 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए आयंस की, साथ में आपको पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले हम कैसे बनाते हैं। तो जिन बच्चों ने आयन सारे याद करके रखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, साथ में उस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा था जहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड समझा था, वो लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना लिए होंगे। तो देखिए ऑप्शन ए है CaCl, ये गलत है, इस तरह कोई कंपाउंड नहीं होता, क्या होता है CaCl2 होता है, ये आपका करेक्ट होता है। NaSO4 ये कुछ नहीं होता, आपका करेक्ट क्या होता है Na2SO4, ठीक, सोडियम सल्फाइड, ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए NaS कुछ नहीं होता, क्या होता है Na2S होता है, सोडियम सल्फाइड, बाकी BiPO4 ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो आपका Bi होता है वो होता है Bi+3 के फॉर्म में, और जो PO4 होता है फॉस्फेट आयन, ये होता है PO4-3,
इसलिए जब आप क्रिस क्रॉस मेथड करेंगे 3 3 कैंसिल हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा BiPO4। ये एक करेक्ट केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 54 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 58 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड इन O2 इज। अब देखिए इसके लिए हमको समझना पड़ेगा O2 में बॉन्डिंग कैसे होती है। तो देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ होता है। आपको पता है ऑक्सीजन यानी एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2.6। 2.6 से मतलब ये हो गया कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक इसी तरह इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए आपको पता है बॉन्ड बनाने के लिए इसका आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ये इधर से शेयरिंग कर लेगा, ये इधर से, सिमिलरली ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस एटम से शेयरिंग कर लेगा। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन टेक पार्ट इन फॉर्मिंग बॉन्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये बीच वाले 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2। अब ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से उठ कर आया है, और जहाँ वहाँ पर जब मैंने वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था तो इसका जो फॉर्मेशन होता है कैसे ब्रेक करके इसको लिखते हैं वो भी अच्छे से समझाया था मैंने। तो चलिए एक बार वहाँ वीडियो लेक्चर में समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और कई जगह इसको ऐसे भी लिखा रहता है कि CaOCl, OCl ब्रैकेट में उसके बाद Cl। इसका मतलब देखिए क्या है कि आपका जो कैल्शियम है वो एक तो OCl से बना हुआ है और बाकी Cl से जुड़ा हुआ है, मतलब जिसका फॉर्मेशन है, जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं CaO और Cl कंबाइन करके Cl2, और इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और जो अभी हमने पीछे देखा वो थी इस वीडियो लेक्चर में, वो थी इस क्वेश्चन के पीछे की केमिस्ट्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका फिर से वही मोल कॉन्सेप्ट से है, और मोल कॉन्सेप्ट का बहुत बेसिक फॉर्मूला से। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एवोगाड्रो नंबर एन नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन और मोल्स एन। तो देखिए आपको पता है कि जब एक मोल प्रेजेंट हो, ठीक, तो एक मोल में क्या होता है, एन नॉट पार्टिकल्स होते हैं, यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गया एक मोल की बात, एक मोल के केस में। अब अगर हमारे पास n मोल्स हैं तो उस केस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल n से। तो कैपिटल n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय n नॉट। ठीक, तो कैपिटल n इज इक्वल टू स्मॉल n डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय n नॉट। तो यहां से स्मॉल n का फिर रिलेशन क्या आ जाएगा, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल n डिवाइडेड बाय n नॉट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड। ये भी आपका डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से उठकर आ गया, और ये क्वेश्चन हमने पूछा था जो टेस्ट हुआ था बीच में, उसमें भी जो हमने बीच में एक टेस्ट लिया था उसमें भी इसका क्वेश्चन पूछा था, और ऑप्शंस भी मेरे को याद आ रहा इसी टाइप के थे, जी से थे और एक AU था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गोल्ड। गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है AU। अब चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। 63 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन एलिमेंट एक्स हैज वैलेंसी इक्वल टू 3। ठीक, अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स फॉर्मूला विथ कार्बोनेट आयन। तो देखिए जब कार्बोनेट आयन है तो इसका मतलब हो गया CO3 डबल माइनस नेगेटिव आयन। अब एक्स की वैलेंसी 3 है, यानी एक्स के ऊपर प्लस 3 है। अब यहाँ पे वही पुराना आपका लॉजिक आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूले का, नीचे आप चार्ज लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा X2CO3 होल थ्राइस। ठीक, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, X2CO3 होल थ्राइस, यानी कि 63 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये भी आपका टेस्ट में क्वेश्चन आया था, और जहां हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था आयनिक कंपाउंड सीखने के बाद जो आपके स्टार्टिंग के लेक्चर से, उसमें हमने इस पॉइंट को कवर किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपका क्वेश्चन आ गया जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूले हैं उससे, क्वेश्चन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, CA3PO4 होल ट्वाइस। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे,
कैल्शियम आयन होता है Ca+2 और जो फॉस्फेट आयन होता है वो होता है PO4-3। अभी आपने ऊपर भी देखा था ये फॉस्फेट आयन कहाँ पर, जो आपका क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट केमिकल फॉर्मूला, जो क्वेश्चन नंबर 58 था वहां पर हमने ये देखा था। और वहां पर क्या था आपका BiPO4 था, वहां Bi+333 था और साथ में जो नेगेटिव पार्ट है वो तो सेम था। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैल्शियम के नीचे लिखेंगे 2, इसके नीचे 3 लिखेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, अब पूछ रहा है उसका पीएच क्या हो गया। अब देखिए ये लिटमस पेपर की बात कर रहा है और क्या कह रहा है, रेड को ब्लू में चेंज हो रहा है। तो देखिए मैंने क्या बताया था, बी से ब्लू और बी से बेसिक, यानी ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक के नेचर है। अब देखिए हमको पता था पीएच स्केल पे यहाँ 7 होता है, 7 प्लस वाले क्या होते हैं बेसिक और 7 से कम वाले क्या होते हैं एसिडिक। तो 7 से ज्यादा यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। अब देखिए इसको एक और ट्रिक से सॉल्व कर सकते थे, जैसा अगर आपको याद नहीं आ रहा कि जो ब्लू चेंज हो रहा है वो एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है या बेस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए आप ऑप्शन देके भी अंदाजा लगा सकते थे। इतना तो आपको नॉलेज है कि 7 होता है न्यूट्रल, या तो करेक्ट आंसर 7 से कम होगा या 7 से ज्यादा होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या है 1, 4, 5, 10, तो 1, 4, 5 देखिए 1 इधर आ गया, 4, 5 इधर आ गया और 10 यहाँ आ गया। अब आपको पता है ये चार में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक, या तो 7 से बड़ा करेक्ट होगा या तो 7 से छोटा। 7 से छोटे में आगे 3 ऑप्शन, यानी ये तो हो नहीं सकता, 7 से बड़ा आपका एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 10। तो इस तरह से आप गेस भी मार सकते थे अगर आपको वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में याद नहीं आ रहा। बाकी इस पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था जहाँ हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। अब बच्चों ये वाली स्लाइड देखकर आपको याद आ रहा होगा कहाँ आप पर आपने जो पीएच स्केल पढ़ा था वो देखिए, ये हमने पीएच स्केल पढ़ा था, ये 7 बीच में था, इधर एसिड पड़े थे इधर बेस पड़े थे, ठीक, और यहीं से क्वेश्चन सीधे उठकर आ गया। और बाकी जो लिटमस पेपर वाली बात है, जो रेड से ब्लू का कलर चेंज है, उसको जो एसिड बेस का लेक्चर नंबर 1 था जहां हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था वहां से वो क्वेश्चन नोट कराया। तो वो वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों का थ्योरी मिला करके आपका एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया और जो अल्टीमेटली आपका करेक्ट आंसर हुआ वो हो गया ऑप्शन नंबर डी 10। अब केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज, अब देखिए ये सब क्या है 20 प्लस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं, ठीक, क्या है क्रोमियम आयरन स्कैंडियम ये सब का यूज हो रहा है। तो अब देखिए इसको अगर आपको याद, देखो दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहला तो ये है कि आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए जो आपको दिया हुआ है, किसका किसका लिखना पड़ेगा आपको, Cr+3 का पता होना चाहिए, Fe+3 का पता होना चाहिए, फिर Mn+2 का पता होना चाहिए, Sc+3 का पता होना चाहिए, ठीक, ये तरीका था, साथ में कोबाल्ट का भी पता होना चाहिए। एक तो तरीका ये है कि आपको पांचों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अब देखिए साथ में आप दूसरा क्या कर सकते हैं, कॉमन सेंस का यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सेंस इसलिए कि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है उसको हम अरेंज करते हैं किसी भी एटम में। अब जितने भी ऑप्शंस हैं सब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं, तो देखते ही आपको पता चल जा रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा उनके न्यूट्रल स्टेट में, यानी जब उसके ऊपर नो चार्ज है, तो वो अलग अलग होगा। अब सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस केस में होगा जैसे अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 4 का 4 लूज कर दे, ये 3 लूज कर दे। या फिर आप ऐसे सोचें किसी के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है और किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जब ऐसा करेगा तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो सेम होंगे उस केस में। तो यानी आप इतना सब समझने के बाद क्या गेस लगा सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऊपर आएगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर +3 है, यहाँ +3, यानी ये गलत ऑप्शन है, यहाँ +3 है, यहाँ +2, ये सही हो सकता है, ठीक, यहाँ पर +3 है, यहाँ +3, ये गलत ऑप्शन है, यहाँ +3, यहाँ +3, ये गलत ऑप्शन है। इसका मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Fe+3 और Mn+2। अब देखिए ये तो हो गया टाइम सेविंग वाली बात,
इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं लिखना पड़ा। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको क्या है केमिस्ट्री को कम टाइम लेना होता है, आप ज्यादा टाइम आपको पता है मैथ सॉल्व करने में लगेगा, तो इसलिए आप डायरेक्टली इस आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर आप सोच रहे होंगे इसके पीछे का नॉलेज क्या है या इसके पीछे का कंसेप्ट थ्योरी क्या है, तो उसको भी मैं समझा देता हूँ। पहले हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, सी आर हो गया, एफ ई हो गया, सी ओ हो गया, और किसका देखना है, एम एन हो गया, और साथ में हमको देखना है स्कैंडियम का, एस एन हो गया। ठीक, तो पहले क्या करते हैं हम जो न्यूट्रल स्टेट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लेंगे, उसके बाद जितना प्लस थ्री या प्लस टू जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर होता है 21, जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24। इसी से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन स्टार्टिंग का था वो भी आया था, क्रोमियम ऑफ कॉपर के बेस पे। अब है Fe, Fe मतलब आयरन, आयरन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 26। फिर है CO, CO क्या है आपका, कोबाल्ट, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, और Mn, मैंगनीज, मैंगनीज होता है 25। अब ये सब का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना, इसको हम लोग लिखते हैं SpDf के फॉर्म में। अब SpDf के फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे कि देखिए पहले 18 तक होता है, देखिए ये आर्गन का, ठीक, तो 18 तक का देखिए स्टैंडर्ड होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक, यहाँ तक हो गया 18। अब इसके बाद ये जो तीन इलेक्ट्रॉन है ये अरेंज होते हैं, या तीन नहीं मतलब जितने भी आगे आएंगे ये अरेंज होते हैं 4s में और 3d में। ठीक, तो देखिए ये आप जब सीखेंगे ना प्रॉपर, ये बहुत लंबा टॉपिक है, यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो जो 21 है स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन तक का देखिए सब में सेम होगा, उसके आगे का लिखते हैं। ठीक, तो जो स्कैंडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा 4s2 3d1। ठीक, जो क्रोमियम है इस केस में क्या होता है, 4s1 3d5, ये एक्सेप्शन होता है आपका, ये याद रखिएगा, ठीक, आगे काम आएगा आप लोग को। जो Fe है इसमें क्या होता है, 4s2 3d6। जो कोबाल्ट है इसमें क्या होता है, 4s2 3d7, ठीक, और Mn में क्या होता है, 4s2 3d5। अब क्वेश्चन में समझते हैं क्या कर रहा है, Cr प्लस 3 है मतलब इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं। जब तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे, 24 में से तीन निकल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 21। ठीक, इसी तरह Fe प्लस 3 है, Fe प्लस 3 में तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 23। अब है Mn प्लस 2, Mn प्लस 2 में दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितना बचेगा, 23। Fe प्लस 3 ये तो हमने लिख ही दिया, फिर बचा CO प्लस 3, इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बचेगा 24, और बचा आपका ऑप्शन ये स्कैंडियम, स्कैंडियम में से तीन इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 21 में से तीन निकल गए तो बचेगा 18। तो अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा है सेम किसमें होगा, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये देखिए 23 इसमें है, इसमें भी 23 है, यानी Fe और Mn, Mn जब प्लस 2 है और Fe जब प्लस 3 है, उस केस में क्या होगा, ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट हो जाएगा, ये पेयर ऑफ आयंस में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट सॉल्यूशन केमिस्ट्री सेक्शन का, जो अभी जामिया के पेपर में आया, और आप लोगों ने देखा कैसे कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वीडियो लेक्चर से उठकर आ गए, और कई सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट से आ गए, और मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देखे थे, अच्छे से नोट्स बनाए थे, उनका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा गया, उन्होंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों ने 90% प्लस केमिस्ट्री सेक्शन में बहुत अच्छे से स्कोर करके आए हैं। और बच्चों जिन बच्चों ने पेपर देकर आया उन्होंने ये भी बताया कि सर जैसे हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना, और केमिस्ट्री क्वेश्चन बनते गए, तो उसके बाद क्या हो गया ना, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, तो बाद के जो फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन थे वो भी कॉन्फिडेंस हाई होने की वजह से कई सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बन गए और उनका पेपर काफी अच्छा गया। और वहीं पर कई सारे बच्चों का ये भी कहना था कि सर हम लोग ने क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन था केमिस्ट्री के, क्वेश्चन देखते ही हमने आंसर टिक कर दिया क्योंकि हमको वीडियो लेक्चर का वो पर्टिकुलर पॉइंट तुरंत स्ट्राइक कर गया, तो इसलिए ओवरऑल टाइम बहुत कम लगा, और जो पॉजिटिव मार्किंग था, जो ओवरऑल मार्किंग था वो भी हमारा काफी अच्छा हुआ। तो आई होप आप सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, आप सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।